Welcome back, gun lovers. Hope you are all safe and secured in this period of epidemic. तो आज हम बात करेंगे कि बुलेट बनाने में किस किस तरह के मेटल और मटेरियल का यूज किया जाता है। गाइस, टॉपिक पे बात करने से पहले एक दूसरी इम्पोर्टेंट चीज जान लेते हैं, जिस पर ज्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि आखिर बुलेट बोलते किसे है। कई लोग एक्चुअली पूरे कार्ट्रिज को बुलेट बोल देते हैं, जबकि बुलेट कार्ट्रिज का सिर्फ वो हिस्सा होता है जो गन के बैरल के थ्रू होता हुआ बाहर निकलता है और जो बच जाता है और वेपन के साइड से एज अ वेस्ट निकल जाता है, उसे केस कहा जाता है। और आज का हमारा वीडियो बुलेट्स को बनाने में यूज होने वाले मेटल्स के ऊपर होगा। सबसे पहले बात करते हैं लेड की, जो कि बुलेट्स के मामले में सबसे इम्पोर्टेंट मेटल है। बुलेट्स में लेड को यूज करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि लेड की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, जो कि बुलेट्स को वजन प्रोवाइड करता है। और जितना ज्यादा बुलेट का वेट होता है, उतनी ही ज्यादा दूर तक बुलेट अपनी एनर्जी और स्पीड को मेंटेन कर पाती है। प्लस लेड सॉफ्ट भी बहुत होता है, जिससे कि बुलेट्स को शेप देना भी आसान हो जाता है। और लेड इकोनॉमिकल भी होता है, जिससे बुलेट्स बनाना सस्ता भी पड़ता है। बट प्योर लेड के साथ दिक्कत यह है कि चूंकि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो गन के बैरल में जो राइफलिंग होती है उसमें ये धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है, जिसके कारण कि गन के बैरल को बार बार साफ करना पड़ता है। इससे बचने के लिए प्योर लेड में कुछ दूसरे मेटल्स को मिलाकर अलॉयज बनाए गए, जिससे कि बुलेट की हार्डनेस तो बढ़ गई, लेकिन फिर भी हाई वेलोसिटी बुलेट्स में, जैसे कि 1000 FPS से ज्यादा की स्पीड पर ट्रेवल करने वाली बुलेट्स में, बैरल में बनी राइफलिंग में लेड इकट्ठा होने की दिक्कत को देखा गया। यही कारण रहा कि बुलेट्स को बनाने के लिए दूसरे मेटल्स को यूज करना इम्पोर्टेंट हो गया। वैसे लेड के सॉफ्ट होने के सिर्फ नुकसान ही नहीं है, कुछ फायदे भी है। जैसे कि लेड बुलेट्स जब टारगेट से टकराती है तो सॉफ्ट होने से उसकी बहुत से टुकड़े हो जाते हैं, जो कि टारगेट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और ये डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों ही टाइप्स के पर्पसेस के लिए अच्छा है। अब बात करते हैं सेकंड मटेरियल की, जो कि ये कॉपर अलॉयज। कॉपर का फायदा ये है कि ये लेड से ज़्यादा हार्ड होता है, जिसके कारण ये गन के बैरल में बनी राइफलिंग में लेड की तरह इकट्ठा नहीं होता। प्लस इसका पेनिट्रेशन भी अच्छा होता है, क्योंकि ये टारगेट से टकराने पर लेड की तरह इतना ज़्यादा डिफॉर्म नहीं होता। अब देखिए, कॉपर अलॉयज की जो आप बुलेट्स देखते हैं, ये दो तरीके की होती है। एक तो प्योर कॉपर अलॉयज से बनी बुलेट्स, जिनमें बाहर से अंदर तक सिर्फ कॉपर अलॉय होता है, जिन्हें की मोनोलिथिक कॉपर अलॉय बुलेट्स भी कहा जाता है। और दूसरी होती है जैकेटेड कॉपर अलॉय बुलेट्स, जिनमें अंदर तो कोर जनरली लेड का बना होता है, जबकि बाहर कॉपर अलॉय की एक कवरिंग चढ़ी होती है, जिसे कि जैकेट बोला जाता है। प्योर कॉपर अलॉयज की बुलेट्स में दिक्कत ये होती है कि कॉपर की डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, जिसके कारण वेट बढ़ाने के लिए बुलेट्स को ज़्यादा लंबा बनाना पड़ता है, जबकि जैकेटेड बुलेट्स के बाहर की ओर कॉपर होने से उन्हें कॉपर की हार्डनेस भी मिलती है, जिसके कारण राइफलिंग में ज़्यादा मेटल भी नहीं फंसता। प्लस अंदर लेड होने से बुलेट्स को इनफ वेट भी मिल जाता है। और अब इस इमेज में आप ये देख सकते हो कि प्योर कॉपर अलॉय बुलेट्स और जैकेटेड कॉपर अलॉय बुलेट्स के टारगेट से टकराने पर होने वाले डिफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है। जो प्योर कॉपर अलॉय बुलेट्स होती है, उनका डिफॉर्मेशन कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भले ही प्योर कॉपर अलॉय बुलेट्स का वेट कम होता हो, बट डिफॉर्मेशन कम होने से बुलेट्स का पेनिट्रेशन भी बेटर हो जाता है। हालांकि कॉपर अलॉय बुलेट्स का पेनिट्रेशन लेड बुलेट से बेटर होने के बावजूद भी आर्मर कवरिंग्स को पियर्स करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता, तो इसीलिए आर्मर पियर्सिंग कैपेबिलिटीज के लिए यूज किए जाने लगे और भी नए मेटल्स, जिनके लिए अब हम बात करेंगे। बाय द वे, आगे बढ़ने से पहले मैं कॉपर जैकेट बनाने के लिए यूज होने वाले कॉपर अलॉयज के बारे में भी बता देता हूँ। यहाँ जनरली तीन मेजर अलॉयज का यूज किया जाता है, जिनमें सबसे कॉमन है ग्लाइडिंग मेटल, जो कि 95% कॉपर और 5% जिंक से बना होता है, और सेकेंड है क्यूप्रो निकल, जो कि 75% कॉपर और 25% निकल होता है, और थर्ड है ब्रास, जिसमें कि 60% कॉपर और 40% जिंक मिला होता है। अब हम बात करेंगे आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स की। तो देखिए, आर्मर पियर्सिंग राउंड्स का डिज़ाइन भी काफ़ी सिंपल होता है, जिसके दो पार्ट्स होते हैं। अंदर होता है बहुत हार्ड मेटल से बना कोर, जिसे कि पेनिट्रेटर भी बोला जाता है, और बाहर होती है कंपैरेटिवली सॉफ्टर मेटल की बनी जैकेट या फिर कवरिंग। अब आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स के साथ सारा खेल है पेनिट्रेटर का। पेनिट्रेटर का मीनिंग होता है वो जो अपने टारगेट में होल कर सके, और इसके लिए पेनिट्रेटर को बहुत ही हार्ड मेटल से बनाया जाता है, जैसे कि हाई कार्बन स्टील
और दूसरे पॉपुलर मेटल्स है टंगस्टन कार्बाइड या फिर डिप्लेटेड यूरेनियम, जो कि स्टील से भी ज़्यादा हार्ड होते हैं, प्लस उनका वेट भी ज़्यादा होता है, जो स्टील बुलेट से भी लॉन्गर रेंजेस तक इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करता है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि अगर आर्मर पियर्सिंग के लिए हार्ड मेटल्स चाहिए तो पूरी बुलेट को ही हार्ड मेटल से क्यों नहीं बना देते, सिर्फ बुलेट के अंदर कोर में ही हार्ड मेटल क्यों यूज़ होता है। तो इसका रीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर पूरी बुलेट को हार्ड मेटल से बनाएंगे तो वो अपनी हार्डनेस के कारण गन बैरल के अंदर बनी राइफलिंग को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके कारण कंपैरेटिवली बहुत कम टाइम में गन का बैरल चेंज करना पड़ सकता है, जो कि एक्सपेंसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। प्लस इनको अब भी जिस तरीके से यूज़ किया जाता है वह बहुत इफेक्टिव है, कि सिंपली जब कोई आर्मर पियर्सिंग बुलेट अपने टारगेट पर स्ट्राइक करती है तो बाहर लगी सॉफ्टर मेटल की कवरिंग, जो कि जनरली कॉपर एलॉय से बनाई जाती है, वह हट जाती है और अंदर से हार्ड मेटल का पेनिट्रेटर बाहर निकलकर टारगेट को परफेक्टली पेनिट्रेट कर देता है। तो गाइस यही है वो जनरली सारे मेटल्स जिनसे कि बुलेट्स को बनाया जाता है। और इसी तरीके से फायरआर्म रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। गुड बाय, जय हिंद।